हेलो दोस्तों, मैं हकीम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान। दोस्तों, अगर आपके भी गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, ये पेशेंट हमारे पास 20 दिन पहले आए थे, सीरम क्रिएटिनिन 5.50 हो रहा है इनका, सीरम यूरिक एसिड 8.90 हो रहा है इनका। और ये हमारा पर्चा है, देखिए पर्चे में भी ये सब बीमारियाँ लिखी हैं मैंने, और आप पूरे प्रूफ के साथ देख सकते हैं, 4 तारीख को हमारे यहाँ आई थी ये, और 20 दिन की दवा लेके गई है पेशेंट, ठीक है। और ये सारी दवा है, पर्चा आपने देख ही लिया। 20 दिन दवा खाने के बाद कल इन्होंने रिपोर्ट कराई है, मतलब 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने रिपोर्ट कराई है, और वो रिपोर्ट ये है, ये देखिएगा। इसमें आप पहले डेट देख सकते हैं कन्फर्म करने के लिए इसमें, और उसके बाद देखें सीरम क्रिएटिनिन 5.50 से कम होकर 3.37 हो गया। ये देखिए इसमें जो है, आप ये देखिए 5.50 है 20 दिन पहले, ठीक है। और अभी जो हमारे पास इन्होंने दवा खाई है 20 दिन की, जो अभी मैंने आपको पर्चा दिखाया, ये इसमें इन्होंने 3.37 हो गया। और यूरिक एसिड भी देखें 8 पॉइंट से घट करके 6.50 पा गया। उसके बाद जो है इनका ब्लड यूरिया अभी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरे पसीने में पैदल चल के गई, पेशाब नहीं आया, उसकी वजह से भी इनको दिक्कत होती है। थोड़ी स्वेलिंग थी पेशेंट पर, काफ़ी स्वेलिंग थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन के अंदर काफ़ी आराम है। तो दोस्तों, अगर आपको सीरम क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया अगर आपके बढ़ रहा है बॉडी में, तो एकदम आप डायरेक्ट डायलिसिस ना कराएं। बहुत से डॉक्टर आपको मशवरा देंगे कि डायलिसिस करा लो। इन अम्मा जी का भी कहना यही है कि मुझे भी डायलिसिस के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, और आपकी दवा खाई 20 दिन में, आप लोग रिज़ल्ट देख ही रहे हैं कितना कम हो गया। दवाइयों का भी पर्चा है, अगर आपको इस तरह की किसी को दिक्कत है और आपको डॉक्टर या किसी ने मशवरा दिया है कि आप डायलिसिस कराएं, तो अभी आपको नहीं कराना है। कोशिश करें कि आप यूनानी इलाज कराएँ, कहीं भी हों, अगर आप हमारे पास आ सकते हैं तो यहाँ आकर के कराएँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसका बहुत सफल इलाज किया जाता है। 20 दिन में देखें, जब इतना आराम है, ये दोबारा रिपोर्ट देख सकते हैं, जब इतना आराम है तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये 2 से 3 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जब ये आई थी इनको पेशाब की प्रॉब्लम थी, स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा, अब स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पेशाब नॉर्मल आ रहा है, इनके बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा था वो भी कम हो रहा है, और हमने इनको अपने यूरिक एसिड वाले भी कैप्सूल दिए हैं, तो यूरिक एसिड भी कम हुआ है इनका, साथ में क्रिएटिनिन भी जो है काफ़ी कम हो गया। अभी ये 1 महीने की दवा और ले जा रही है, इंशाल्लाह इसमें इनको बहुत थोड़ा सा ही मर्ज़ बचेगा, ज़्यादा नहीं। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, रिपोर्ट की डेट देख सकते हैं, दवाएं देख सकते हैं कितने दिन में। तो दोस्तों, ईमानदारी से इलाज कराएं, अपना जहां भी कराएं, पूरे प्रूफ के साथ देख सकते हैं आप। अगर आपको ज़रूरत है, आप आस पास में रहते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं, तब आप ऑनलाइन के ज़रिए भी हमसे ये दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, या आप भी यहाँ आकर के दिखा सकते हैं। हमारा मकसद है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको सेहतमंद बनाना। पैसा तो सभी जगह लगता है, हमारे यहाँ भी लगेगा, कोई फ्री नहीं है, लेकिन अगर आपको परेशानी ज़्यादा है, आप आकर के मिल सकते हैं और अपने ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारी का इलाज करा सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक होगी, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो। आप वीडियो देखते ही होंगे हमारी, अब जब सीरम क्रिएटिनिन का और यूरिक एसिड का इलाज इतनी आसानी से आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, इसी तरह से और भी बीमारियों का हम इलाज करके दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो शेयर करें, पहली बार जो हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग डायलिसिस से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।